दो नाबालिग बहनों का धर्म परिवर्तन। 3 महीने पहले गायब हुई थी दो बहनें, जब मिली तो बन चुकी थी मुसलमान। दोनों नाबालिग लड़कियों का हो चुका था निकाह। हिंदू नाबालिग लड़कियों से फरेब की कहानी। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर से लापता नाबालिग चचेरी बहनों का है, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली के ठिरिया निजावत खार गांव से बरामद कर लिया है। दरअसल दोनों लापता बहनों का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। लड़की प्रथम दृष्टया FIR की दृष्टया से नाबालिग है, इनका मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद पुष्टि हो पाएगी बालिग है कि नाबालिग है। एक मुस्तकीम नाम का आरोपी है, फरार है, अभी पुलिस के हिरासत में नहीं आया है, तस्लीम पकड़ा गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज है। पिता की माने तो दोनों लड़कियां 16 और 17 साल की हैं, जो जनवरी में बसंत पंचमी के दिन मेला देखने निकली थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद जब उनका सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने अपहरण की तहरीर दी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि ये लड़कियां 6 महीने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजदूरी करते थे। कॉल डिटेल खंगाली गई तो तस्लीम से अक्सर फोन पर बात होने का सुराग मिला। इसी आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और ठिरिया गांव पहुंची, जहां से इन दोनों बहनों को बरामद कर लिया गया। कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज भी है, निकाह भी है। अच्छा ये बताइए कि धर्मांतरण कहाँ हुआ था, लड़कियाँ मुसलमान कहाँ रही थी? सराबत में आगे। मामला संगीन है क्योंकि दोनों बहनें नाबालिग हैं और दोनों का धर्म परिवर्तन कर निकाह कर दिया गया है। वायरल कीड़ा न्यूज़।